सलाम नमस्ते सत श्री अकाल खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काजिकिस्तान का जो वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए क्या वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है या ई वीज़ा है। तो इन सब इंफॉर्मेशन मैं दूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक देखिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ से, और साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो। ये है काजिकिस्तान। तो काजिकिस्तान के बारे में यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है कि काजिकिस्तान का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है, आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, या आप ऑनलाइन वीज़ा ख़रीद सकते हैं जिस तरह अजरबैजान का वीज़ा ख़रीद सकते हैं। तो ये बहुत से यूट्यूब के ऊपर जो चैनल्स हैं वो इस तरह की वीडियोज़ डालते हैं। तो मैं भी देख रहा था कल, तो काजिकिस्तान के ऊपर एक वीडियो बनी हुई थी कि काजिकिस्तान का फ्री वीज़ा है, वहाँ पर फ्री तलीम है और फ्री सिटीजनशिप है। तो मैंने देखने के बाद मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। काजिकिस्तान का एक पूरा वीज़ा प्रोसीजर है, उसके लिए आपको इनकी एम्बेसी जाना पड़ेगा, पाकिस्तान एम्बेसी इनकी मौजूद है, तो उसके बाद आपको इन पूरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, तब इनका जो वीज़ा है वो आपको इशू होगा। अलबत्ता ऐसा कोई भी नहीं है, इसका वीज़ा फ्री है, ना वीज़ा इसका ऑन अराइवल है। इंडियन के लिए इसका जो वीज़ा है वो ऑन अराइवल है, तो इंडियन जा सकते हैं, पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल नहीं है। बस आज की इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था आपको कि किसी भी यूट्यूब फ्रॉड के ऊपर आप भरोसा मत करें, इसका जो वीज़ा है वो फ्री नहीं है, आपको इसका वीज़ा जो है वो ख़रीदना पड़ेगा इनकी एम्बेसी से जाके। तो इनकी एम्बेसी जाके आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे बैंक स्टेटमेंट, इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट, आपकी फ़ोटोज़, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो होगा इनविटेशन लेटर जो आपको काजिकिस्तान की किसी रजिस्ट्री ट्रैवल एजेंसी या किसी होटल से मंगवाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ होने के बाद ही जो है ना आप काजिकिस्तान जो है जा सकते हैं, अलबत्ता आप नहीं जा सकते। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।